जैन उल आबिदीन। देखिए जी, जैन मेरे एक कज़न हैं, उनका बेटा है और मेरी बाखुदा मेरा कतन कतई 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 कोई इरादा नहीं कि मैं बच्ची की शादी उससे करता, या अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अगर मुझे बेटी मेरी वापस मिल भी जाती है, जो इंशाल्लाह मिलेगी, तो तब भी मेरा कोई इरादा नहीं होगा कि मैं उससे उसकी शादी करूँ। ये कुरान पाक है, ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये कुरान पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूं बाद में, क्योंकि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करें, हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, ना मैं मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फ़ोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखें अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल 3-4 साल शायद हो गए होंगे, वो भी किसी जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूँ अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है, क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जहन से इस चीज़ का कभी ना मैंने उसे उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी, ना ही मैंने बच्ची से किसी जैन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी उस सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी, और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले इसकी शादी नहीं करूंगा अगर मैं अपनी मर्ज़ी करूं। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि जी 18-19, क्योंकि सिंध का ला भी 18 साल है और हमें उसे मानना भी पड़ता है, पाकिस्तान का ला है,